हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एज यू नो आई एम मेसी एंड दिस इज़ अ फर्स्ट थर्सडे वीडियो। दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट व्हाट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस वी हैड इन सेशन 2020 to 2021 टू स्कोर अ गुड मार्क्स। अगर एग्ज़ाम होते तो क्या एडवांटेजेस थे और क्या डिसएडवांटेज थे अच्छे मार्क्स लाने के लिए और क्या नहीं। मुझे लगा इसके बारे में बात करनी चाहिए। जो एक्सपीरियंस हम लोगों ने गेन किया है 1 ईयर की जर्नी में और क्या क्या डिफ़िकल्टीज झेली है हमें सेटल होने में और कैसे 10 बोर्ड की जर्नी ख़त्म हुई। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो गाइस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट द एडवांटेजेस वी हैड इन द सेशन 2020 to 2021। द फर्स्ट एडवांटेज इज we have a lot more time compared to other years. Yeah, first of all ये था कि हमारे पास ज़्यादा time था, हमारे exam भी late से हो रहे थे, और जो हम लोग school tuition जो regular life होती थी पिछले years के बच्चों के लिए वो तो हमारे पास नहीं था, तो उसकी वजह से हम लोग के लिए ज़्यादा time बचा था और हम लोग ज़्यादा time पढ़ सकते थे। अगर जिन बच्चों ने utilize किया था वो तो उसके बहुत अच्छे marks आने वाले थे। सेकेंड एडवांटेज था गाइस कि हम लोग के 30% डिडक्शन हो चुके थे, तो वो बहुत अच्छी बात है कंपेयर टू अदर ईयर्स। थर्ड एडवांटेज था गाइस यूट्यूब वीडियोस। अगर यूट्यूब ना होता और वहाँ के टीचर्स हमें ना पढ़ाते तो जो कॉन्फिडेंस और जो लर्निंग प्रोसेस होता हम लोग का वो ना हो पाता हम लोग अगर यूट्यूब ना होता तो रियली थैंक टू यूट्यूब टीचर्स। फोर्थ गाइस, मुझे लगता था दिस ईयर एवरी स्टूडेंट्स को ना स्कोर 80 अबव लाइक एवरीवन, बिकॉज कुछ तो था नहीं एक 1 ईयर कुछ करने को, तो सब ने पढ़ाई की। एवरेज स्टूडेंट से लेकर टॉप स्टूडेंट तो पढ़ता ही, सब ने पढ़ा होगा मुझे तो ऐसा लगता है। एंड फिफ्थ एडवांटेज इज वी गेन न्यू एक्सपीरियंस फ्रॉम अदर्स। लाइक जो प्रोसेस चलते आ रहा था टेंथ के स्टूडेंट्स के लिए कि टेंथ बोर्ड आपको पढ़ना है, जो प्रेशर फैमिली वो तो था, लेकिन हम लोग न्यू एक्सपीरियंस गेन किया। कैसे, जैसे ऑनलाइन स्टडी हमने ऑनलाइन स्टडी हुआ ही नहीं था, जूम पे बैठ के कौन पढ़ता है, ऐसा तो नहीं था। न्यू एक्सपीरियंस गेन की घर पे रहे और देखा कि ऐसा कुछ भी हो सकता था। हम लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी कि और लोगों के साथ और ईयर में ऐसा हो गया वैसा हो गया, लेकिन जो हमारे लिए हिस्ट्री बनी है इस ईयर दूसरी बार पढ़ी है हिस्ट्री कोरोना वाले। और सिक्स्थ एडवांटेज गाइस कि हम लोगों ने अलॉट मोर फैमिली मेम्बर के साथ स्पेंड किया, इस कारण एंजाइटी डिप्रेशन कम हो चुका है जो टेंथ के बच्चों के साथ रहता था प्रीवियस ईयर्स के हिसाब से। तो हमारे साथ भी हुआ है कि आप पढ़िए टेंथ बोर्ड ये वगैरह वगैरह, बट फैमिली मेम्बर सपोर्ट भी उतना ही करती है जितना बोलती है। तो और एडवांटेज ये था कि किसी के मम्मी पापा बाहर रहते हैं घर से, तो उसके लिए विथ वो लॉकडाउन में आ गए तो अच्छे से पढ़ाई वगैरह हो गई है। सो दैट्स इट, मुझे लगता है इतने एडवांटेज थे हमारे पास। द डिसएडवांटेजेस वी हैड इन द सेशन, सो फॉर डिसएडवांटेज गाइस, अपने आप को जूम में एडजस्ट करना कि अब हमारी यही ज़िंदगी है, मीन्स टेंथ के लिए अपने आप को एडजस्ट करना कि हमें इसी में मेंटेन करके हमें पढ़ाई करनी है, और बहुत से बच्चों को सिलेबस जानना कि रिडक्शन कितना पोर्शन हुआ है कितना नहीं, उसी में जानते जानते बहुत से मंथ चले गए थे। तो ये फर्स्ट डिसएडवांटेज था। सेकेंड डिसएडवांटेज था गाइस फीस। यस, बहुत से पेरेंट्स लोगों के प्राइवेट जॉब थे और कोरोना की वजह से वो ख़त्म हो गए, तो उनका असर उनके बच्चों पे पड़ा। कैसे, जैसे स्कूल वाले तो फीस के लिए हमेशा बोलते थे, और जिनके स्कूल का फीस जमाने था तो मे बी उन बच्चों को क्लासेस नहीं करने दिया गया स्कूल की वजह से, उन्होंने कहा कि आपकी फीस जमा करो तभी होगा, दिस इज़ अ मेन रीज़न। और ऑनलाइन क्लास स्कूल वाला ना करना ये भी एक बहुत बड़ी डिसएडवांटेज था बच्चों के लिए। इन स्टेट्स में कोरोना की वजह से या लॉकडाउन की वजह से उन लोगों के स्कूल में एक ही प्री बोर्ड हुआ है, तो उन बच्चों को क्या
जिनके प्री बोर्ड खराब गए हैं या उतने अच्छे नहीं गए जितने जाने चाहिए थे, तो उनके मार्क्स तो बहुत कम मिलेंगे क्योंकि उनके परसेंटेज न्यू पॉलिसी में कहा है कि 40 मार्क्स प्री बोर्ड के हिसाब से मिलेंगे। और जिनके बहुत सारे स्कूल में तीन बार मैक्सिमम हो चुका है प्री बोर्ड, तो जिनके अच्छे मार्क्स आएगा वही मार्क्स दिया जाएगा। तो उन बच्चों को क्या जिसके जिन स्कूल में एक ही प्री बोर्ड हुआ है तो उसके मार्क्स तो बहुत कम आने वाले हैं। या मुझे तो ऐसा भी लगता है वी गेट लो मार्क्स आवर एक्सपेक्टेशन गाइस, आवर एक्सपेक्टेशन जितने एक्सपेक्टेशन है हमारे उतने नहीं आने वाले क्योंकि ये मार्क्स अब हमारे हाथ में नहीं रहा। तो उन्हीं लोगों के हाँ एग्जाम तो हम लोगों ने दिया है फिर भी। एंड द फोर्थ डिसएडवांटेज गाइस कि बहुत से स्टूडेंट्स ने अपने फैमिली मेंबर खोए हैं कोरोना की वजह से या पापा अंकल आंटी खोए हैं, तो दिस इज रे इम्पैक्ट द स्टडी गाइस। अगर किसी के घर में किसी की मौत किसी की मम्मी पापा नहीं है बिकॉज ऑफ कोरोना, तो इनकी वजह से उसके पढ़ाई में बहुत डिफिकल्टीज आती है। तो ये फोर्थ डिसएडवांटेज है मेरी पढ़ाई को लेकर, मुझे लगता है ये मेन है क्योंकि वी थैंकफुल दैट कि आपके फैमिली मेम्बर सेफ है। फिफ्थ डिसएडवांटेज गाइस कि जो हमारी इंटरनल फीलिंग होती है जो हैप्पीनेस होती है जब हम लोग एग्ज़ाम बोर्ड लिखते हैं 10 की, तो अलग ही सब फीलिंग आता है और एक न्यू एक्सपीरियंस गेन करते हैं हम लोग को पता चलता है कि हाँ अब हम लोग भी प्रेशर झेल सकते हैं, ऐसा होता है और हमें ऐसा करना है। मुझे तो ऐसा भी लगता है अगर ट्वेल्थ बोर्ड का रिजल्ट निकलेगा तो हमें ऑक्सीजन सिलेंडर रखना पड़ेगा क्योंकि वी कांट हैंडल दैट सिचुएशन गाइज, क्योंकि हमें वैसा कभी फील ही नहीं हुआ है। वो ट्वेल्थ का रिजल्ट हमारे लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी और जो उतनी बड़ी बात होनी नहीं चाहिए। वी लॉस द एक्सपीरियंस गाइज कि अपने आप को मैनेज कैसे करना है एग्जाम हॉल में। लास्ट बट नॉट द लीस्ट फॉर द डिसएडवांटेज गाइज फॉर दोज अंकल आंटी कजन सिबलिंग्स, दे आर सेइंग ना तुम लोग तो फ्री में पास हो गए या बिना पढ़े पास हो गए हैं, तो स्टॉप कॉलिंग अस बिकॉज बुरा लगता है यार। अगर एग्ज़ाम होता तो हम लोग देते, अगर नहीं होता देते, नहीं हो रहा तो इसलिए नहीं दे रहे ना। तो आप लोगों को कोई ये हक नहीं बनता है कि आप लोग बोलें कि आप लोग फ्री में पास हो गए हो, क्योंकि जिन लोगों ने पढ़ाई की है मुझे लगता है सब बच्चों ने पढ़ाई की है पूरे साल, तो अच्छा नहीं लगता कि आप बोलो कि आप फ्री में पास हो गए हैं और बिना पढ़ाई करे पास हो गए। That's it for this video guys, please do share this video to your family members, friends, classmates and those uncle, aunties and siblings and cousins who saying that ना कि आप लोग फ्री में पास हो गए हैं, तो ऐसा नहीं है। जो डिसएडवांटेज हम लोग के पास थे वो शायद प्रीवियस ईयर के बच्चों के साथ नहीं था, तो प्लीज़ स्टॉप कॉलिंग अस कि हम लोग फ्री में पास हो गए। फ्री में पास नहीं हम लोग हुए हैं, वी गेन न्यू एक्सपीरियंस गाइज जो आप लोग कभी नहीं गेन कर सकते, जो हम लोग ने किया है। सो प्लीज़ राइट योर एक्सपीरियंस दैट यू गेन फ्रॉम दैट ईयर, आई एम ऑल्सो गोना राइट। सो या थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, बाय।